बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नोमैडिक राशिद में है खुश आमदी। तो आज मैं आया हूँ सरगोधा के बहुत ही मशहूर चने वाला, ये है जी बाबर चने वाले। और ये 23 साल से यहाँ पे चने बेच रहे हैं और इनका सेटअप बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बना रहे हैं मज़ेदार से चने। तो आइए मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ। ये देखें, ये है रफीकिया सेंटर, रफीकिया मेडिकल सेंटर, और ये है यहाँ पर 18 ब्लॉक चौक, और इस साइड पर है 12 ब्लॉक चौक, और उसके बिल्कुल सामने ये देखें रोड है, और रोड के पास ये हैं जी बाबर चने वाले। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनका पूरा सेटअप डिटेल में। तो आई मैं बोलूँगा कम और आपको दिखाऊँगा ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं इनके चने कैसे ये बेच रहे हैं। लें जी, हमारे मज़ेदार चने पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ सारी अनलोड करेंगे। बाल्टी ले आवे दी करके एक। तो बाबर भाई साहब भी आ गए साथ। काम खराब है ता बड़ा चमचा दो मेरा यार। आएगा ना कोई नहीं है तो अंडे लेकर आए हैं आप। कल देखे रिकॉर्डिंग करके अंडे वगैरह ले आओ यहाँ से। अच्छा खान जी, बिस्मिल्लाह। ये लो यार, मैं घर से चलते हुए रिंग की थी। अच्छा अच्छा, आपकी रिंग आ रही है। मैं नहा रहा था उस टाइम।
और शापर बनाई छोटा अच्छा ये जो ब्लैक ब्रदर ये आ गए कबाब यार और कोफ्ते गली में है अंदर शापर पार्क है लोग आ गए तो सी साहब रोवा सर कितने के डाले 200 के डाले बिस्मिल्लाह कबाब भी कितने का है 70 रुपए का ये भाई साहब वीडियो नान ले आए जी स्पेशल नान ये अंडे छिलते छिलते वहाँ कहाँ चले ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसे से ये लगा रहे हैं ये मैं 23 साल से लगा रहा हूँ 23 साल जी और इसी जगह पे लगा नहीं मैं पहले नुकर पे था चौक के अंदर इधर नजदीक ही हाँ जी वो सामने ठीक हाँ जी और इनका रेट बताएं क्या मतलब ये अंडा चने 150 रुपए की प्लेट है चनों की 150 की प्लेट है ठीक है और कबाब 70 रुपए का है कोफ्ता 50 का है मतलब वो सिर्फ कबाब का रेट बता रहे हैं चनों का अलग से चनों का रेट अलग से है ठीक है तो मसाले एक प्लेट चने ले एक प्लेट कबाब लेते हैं जी जी वो वो उसका 150 का रेट है वो ऐसे मिक्स करके दे देते हैं उसको ठीक सही है तो मतलब आप चनों को मतलब किस तरह बनाते हैं स्पेशल कैसे बनाते हैं लोग मतलब यहाँ आपके पास आते हैं बार-बार ये प्यार की बात है ये घर का मसाला होता है यार आराम तो घर ही पकाते हैं रात लगे रहते हैं बनाने के लिए 3 बजे उठता हूँ सुबह 3 बजे 3 बजे सारा खुद बनाते हैं घर वाले जी घर वाले भी साथ बनाते हैं हांडी वगैरह बनाते हैं ठीक है मतलब भाई वगैरह साथ बनाते हैं जी जी ये खुद बनाता हूँ मैं ठीक अल्लाह करिए आ चने के दे उन्होंने दिया आ रे रोटियां आ गया ओए रोटी आई नहीं है ये रोटी वाला भी लेट हुआ नान पड़ा जी रोटी आने वाली है रोटी आने वाली है नान दे दे कितना नहीं और पाए इधर इधर जरूर इधर आ जा अच्छा बस अच्छा जी
शेख साहब गए दिखाएंगे जरा बाहर निकाल के। अच्छा ये सालन होता है कोफ्ते और कबाब का? जी जी पाए कल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा कल पाए। अच्छा मुख्तलिफ मेन्यू होता है आपका? कल पाए होंगे। उजड़ी वगैरह मैंने सुना आपके पास आती है, बड़ी वाली उजड़ी होती है, छोटी उजड़ी ठीक है। और कड़ी पकौड़ा भी होता है मंगल और बुध? अभी सुबह नाश्ते में आ जाता है या वो बाद में आता है? नाश्ते में आता है। सही है। ये जी अब भाई लगाने लगे हैं हमारे लिए एक प्लेट। ये मसाला रखा ठीक है। साथ में लस्सी का भरावा जा रहा है। ले जी हमारा गर्मा गर्म खाना आ गया, तो चलें इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं, इसका रिव्यू करते हैं जी। पहले हम ट्राई करते हैं इनके चने चावल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत मज़ेदार, लाइट से ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इनका जो स्पेशल कोई मसाला है ना, वो सारा मज़ा दे रहा है इसके ऊपर। सनम बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट है, मुँह में घुल जाने वाले हैं। अब नान के साथ ट्राई करते हैं इनके कोफ्ते और चने, इनका गर्मा गर्म स्पेशल नान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा लेते हैं यहाँ से कोफ्ता और यहाँ से लेते हैं चने और इसके ऊपर थोड़ी सी दही। ये बन गई जी हमारी पूरी कंप्लीट एक बाइट। बहुत मज़ेदार। अच्छा जी, मैं करता हूँ अपने चने और ये सब चीज़ें इंजॉय। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।